नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया। छतरपुर जिले के एक गांव में लगे हैंडपंप से आग की लपटें उठ रही हैं। इस घटना से लोग अचरज में भी हैं और दहशत में भी। हालांकि जानकार का कहना है कि मीथेन गैस निकलने से ऐसा हो रहा है कि इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मामला छतरपुर जिले के बक्सवाहा नगर के कशार गांव का है। लोगों ने बताया कि गांव में दो हैंडपंप है। बुधवार सुबह स्कूल के पास वाला एक हैंडपंप खुद ब खुद आग और पानी दोनों एक साथ उगल रहा है। लोगों को इस बात का पता चलने से लोग इसे देखने पहुंचने लगे हैं। बाद में इसकी सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। एक प्रत्यक्षदर्शी देवेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि हैंडपंप पहले भी आग उगल चुका है। पहले यह स्कूल के पास का सरकारी हैंडपंप था, जिसमें कि आग और पानी निकलने के बाद से प्रशासन ने उसका ऊपरी हिस्सा, हैंडल और अंदर का पंप और पाइप निकाल लिया और उसे इसी तरह छोड़ दिया। बुधवार को भी इसी तरह की घटना हुई। कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कुछ लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जमीन में कोई बड़ी हलचल के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ हैंडपंप से पानी के साथ ज्वलनशील गैस का निकलना कोई चमत्कारी घटना नहीं है। यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस होती है, जहां अवसादी चट्टानों में पेड़ पौधे के अवशेष, अवसाद, बारीक रेत के साथ दलदली क्षेत्र में जमा होते हैं। वह भौतिक रासायनिक प्रक्रम द्वारा विघटन उपघटन द्वारा मीथेन गैस का निर्माण होता है। गैस गर्म होने से या जलने से घनत्व में कम होती है, परिणाम स्वरूप ऊपर को उठती है और वैक्यूम निर्मित होता है। इससे इस गैस के नीचे स्थित भूम जल की ऊपर की ओर उठता है। यह क्रम एकांतरित रूप से चलता है।